क्या पढ़ेंगे बताओ, अभी तक हमने क्या किया बताओ? बैलेंसिंग कर ली। अब हम एन फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? एन फैक्टर मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ, अब हम और इन डेप्थ जाएंगे। क्या बोला था? और इन डेप्थ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो एक्स एन फैक्टर को एक्स फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको और क्या कहते हैं बताओ? एन फैक्टर को एक्स फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है? उसकी वैलेंसी उसका एन फैक्टर, जैसे एल्युमिनियम उसका एन फैक्टर 3, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2, है ना? ठीक है। सेकंड, अगर आयन है, क्या है एलिमेंट है तो आयन है तो क्या होगा बताओ? वैलेंस एन फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्या बताओ? जैसे एयर 3 प्लस है तो एन फैक्टर 3, और 2 माइनस है तो एन फैक्टर 2, तो जो भी चार्ज होता है उस पे उसका मैग्नीट्यूड लोगे, है ना? साइन मत डाल देना, माइनस मत डाल देना यहाँ पे। एन फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, आयन हो गया। अब नेक्स्ट, अगर सॉल्ट से, हमने बताया था सॉल्ट है ना, सो नेट चार्ज ऑन और आइदर कैटायन और एनायन, है ना? और एनायन ये बताया था। हाँ, या इसको ऐसे भी लिखा था, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू आइदर दिस और एन फैक्टर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ चार्जेस, है ना? एलसीएम ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक चार्ज, एलसीएम ऑफ कैटायनिक एंड क्या एनायनिक चार्ज, ठीक है? जैसे मान लो कोई सॉल्ट लेते हैं, मान लो जैसे ऐसा आ गया AlCl3, तो बताओ AlCl3 का एनफैक्टर क्या है? ये एक सॉल्ट है, इसका एनफैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम का पे चार्ज कितना होता है? 3 प्लस, और Cl पे भी माइनस माइनस 1, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 है। या तो ऐसे, या इसको तोड़ लो, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, है ना? इस पे नेट चार्ज कितना? प्लस 3, इस पे नेट चार्ज कितना? माइनस 3, तो एन फैक्टर वैसे भी 3 हो गया। कोई भी किसी का भी नेट चार्ज है, ये वाले से नेट चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, उसका मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है ना? तो 3 आ गए। ऐसे करो, नहीं तो एलसीएम ले लो, इस पे 3 प्लस है, इस पे माइनस 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, ठीक है? तो भाई फोर्थ, एसिड्स, एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, है ना? बेसिसिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन क्यों भाई, है ना? नंबर ऑफ पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H+ फर्निश्ड, H+ आयन फर्निश्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो आपको पता हुआ है क्या एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना हुआ बताओ? कितने H फेंके गए? एक ना, अरे ये एसिड होता है ना CH3CO- और H+, समझ रहे हो? तो ये हो गया एन फैक्टर इस तरह से। H2SO4 का एन फैक्टर 2, H3PO4 का एन फैक्टर 3, क्या हो गया तुम्हें? 3 H है ना जो फर्निश करेगा, समझ रहे हो? नहीं क्यों भाई? HClO4 का एन फैक्टर 1, समझ रहे हो? अरे कर लो क्या? अगर आपसे पूछा जाए H3PO3 का एन फैक्टर 2, ये मैंने बताया हुआ है, H3PO2 का एन फैक्टर 1, क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स में, अगर H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे, H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा, द नंबर ऑफ H डायरेक्टली अटैच टू, है ना?
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच डायरेक्टली क्या अटैच टू सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, अटैच टू ऑक्सीजन क्या हो गया बताओ, कितने एच अटैच है, दो, तो एन फैक्टर क्या हो गया टू, दो एच अटैच। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर कितने एच अटैच है, एक, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, समझ रहे हो, तो एन फैक्टर निकालने के लिए तुम एच देखो, जैसे HClO4 है, HClO4 का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये देखो HClO4 है, इसमें कितने एच अटैच हुए, एक एन फैक्टर पर, ठीक है ना, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एन फैक्टर फॉर एसिड्स। बेसिस की बात करें, बेसिस एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ अ बेस, मतलब नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड या नंबर ऑफ H प्लस गेन्ड, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड, समझ रहे हो, जितने एक्सेप्ट करेगा H प्लस वो भी बेसिसिटी होती है, नहीं समझ में आया, क्लियर, तो बताओ NaOH क्या है, उसका एन फैक्टर कितने OH देगा, एक, एक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा, तीन, तीन। या एन फैक्टर थ्री पर मॉलिक्यूल, या एन फैक्टर वन NaOH का, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर टू, क्योंकि दो देगा एच, को एच है ना, दो एच देगा, समझ में आ रही बात, इस तरह से एन फैक्टर निकाल सकते हो बेसिस का। जैसे मान लो मैं बोलू यहां पे एन फैक्टर बताओ आर एन एच टू का, एन एच थ्री का बताओ एन फैक्टर, इसका भी वन, कितने H प्लस ले सकता है, ये भी N, कैसे मालूम, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, न्यूट्रल स्टेट में, तो अगर H प्लस ये गेन करेगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे इसमें, चार, तो चार से ज्यादा तो नहीं बनाएगा, तो आर एन एच टू में एक ही H प्लस तो ऐड हो सकता है, क्योंकि आर एन एच टू का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे मान लें अगर, तो एक ही H हो सकता है ना, चार ही बॉन्ड मैक्सिमम नाइट्रोजन बनाएगा, तो चार बनाने के लिए मतलब एन फैक्टर एक ही हो सकता है, क्योंकि इट कैन अकोमोडेट ओनली वन एच पर मॉलिक्यूल, दिस आल्सो कैन अकोमोडेट वन एच, समझ रहे हो ना, एन फैक्टर कैसे वन, पीएच एन एच टू इसका भी एन फैक्टर वन, क्योंकि भाई नाइट्रोजन एक ही एच प्लस कैप्चर कर सकता है, नंबर ऑफ एच प्लस एक्सेप्टेड कितना होगा इसमें, वन, जैसे हम एन एच थ्री है, एन एच थ्री ने एच को एक्सेप्ट किया, ऐसे लिखते थे, तो एन एच फोर प्लस अमोनियम आया, बनता था कि नहीं, तो बताओ कितने एच बाहर से आया, एक ही तो आया, तो एन फैक्टर वन, ठीक है, क्योंकि एक ही और कैप्चर कर सकता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है। एक और स्पेशल केस बोरिक एसिड का, H3BO3, ये क्या होता है, बोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड कहते हैं इसको, ऑर्थो बोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चरली देखे तो ऐसा होता है, BOH होल थ्राइस भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसका एन फैक्टर पूछेंगे आपसे, बोलोगे वन, क्या होता है, अब आप बोलोगे BOH3 यानी कि कितने OH दे रहा होगा, एन फैक्टर वन है, मैंने बोला ओ एच देगा, बट ये तो एसिड है, एसिड ओ एच देता है क्या, तब तो एच, देखो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है मान लो, बट यहां से एच नहीं निकल रहा, समझ रहे हो, ये मत सोच, एक भी एक वो एक एच भी नहीं निकल रहा यहां से, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, डोंट थिंक ये अपना अपना एच दे रहा है, नहीं, समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये पानी, ये एन फैक्टर किसमें, इन एक्वस मीडियम, इन पानी प्रेजेंट होना चाहिए, ये देखो एक्वस मीडियम में क्या करता है ऑर्थोबोरिक एसिड, पानी के साथ HOH, पानी को लिख सकते हैं HOH, ये क्या करता है, इस अब
इसका OH माइनस एक गेन कर लेता है, क्या कर लेता है एक, तो क्या बन जाएगा BOH फोर फोर माइनस आया ना, और कितना H प्लस रिलीज किया इसने, किसका H प्लस इसने रिलीज कराया, वाटर का, अपना H प्लस नहीं देता ये चालाकी करता है, इसने बेकू बनाया वाटर को, वाटर का H प्लस निकाल के निकलवा दिया ना, समझ रहे हो, तो N फैक्टर क्या हो गया इसका, इसका N फैक्टर वन हो गया, क्योंकि इसने एक H प्लस फर्निश करवाया अपना नहीं लेकिन, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब अपने H प्लस दे रहे थे ना, ये अपना H प्लस नहीं दे रहा, ये वाटर से H प्लस निकलवा के दे रहा है, और इल्यूजन ऐसा लग रहा है कि इसने H प्लस दिया नहीं, ये आगे भी यूज होगा P ब्लॉक में, और ये देखो ये ऐसे भी देखो इसने कितने OH- एक्सेप्ट किए, एक, तो N फैक्टर वैसे ही वन होना चाहिए, ऐसे भी सुना, ठीक है क्लियर, तो N फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट हो गया एसिड्स एंड बेसिस के लिए, अब देखें और किसके लिए, मिटा देना है सब, क्यों कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और ये नया नया चीजें तुमको यहाँ पे दिख रही होंगी है ना, कितना नंबर हो गया, सिक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अगर कॉन्सेप्ट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये हमको फोर कॉमनली अक्रिंग है ना, के टू सी आर टू ओ सेवन भी कॉमनली अक्रिंग है, और एच टू ओ टू भी कॉमनली अक्रिंग है, H2O2 दोनों हो सकता है, इसको सर्किल क्या करो, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है, बताओ ये दोनों हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ Mn क्या है प्लस सेवन में, और यहाँ Cr क्या है प्लस सिक्स में, ये अपनी हाईएस्ट स्टेट में, तो ये अपने आप को रिड्यूस ही कर सकते हैं, तो अपने आप को रिड्यूस ही करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, इसलिए हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बट ये यहाँ पे H2O2 में वो क्या है माइनस वन है, परऑक्साइड है ना ये, H2O2 मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, H2O2 का ओपन बुक स्ट्रक्चर याद रखना, तो यहाँ पर ये ऐसा लिंकेज है तो माइनस वन है ना ऑक्सीजन, तो H2O2 जो है ऑक्सीडाइज होके H2O में भी जा सकता है, H2O में क्या बन जाएगा माइनस टू, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस हो गया है ना, और ये ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकता था O2 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, तो देखो ये माइनस वन से ऑक्सीजन किसमें गया माइनस टू में भी जा सकता है और जीरो में भी, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, इसलिए दोनों नेचर एक्ट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आया, ठीक है, तो क्या, तो इसको सर्कल करके अभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैं बोलूं याद रखना MnO4 को लेते हैं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुकी है कॉम्पिटिशन में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि MnO4 Mn2+ में जाता है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम, किस मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो KMnO4 जो है रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि Mn यहां पे किस ऑक्सीडेशन नंबर पे प्लस सेवन से किधर जा रहा है टू पे, तो Mn KMnO4 क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस ना सेवन प्लस से टू प्लस जा रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अगर मैं बेसिक मीडियम में बात करूं तो बेसिक या न्यूट्रल में कर लो, चलो पहले पहले न्यूट्रल में कर लो, एसिडिक के बाद क्या आता है न्यूट्रल आता है ना, न्यूट्रल मीडियम में बताओ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में याद रखना ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है प्लस फोर, यहाँ तो यहाँ पे भी क्या हुआ ये रिड्यूस हुआ कि नहीं, कहाँ ज्यादा रिड्यूस हुआ, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम होगा देन इन न्यूट्रल मीडियम, समझ में आ रही है, और बेसिक मीडियम की बात करें अल्कलाइन मीडियम ये पूछा जाए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे Mn2 MnO4 2 माइनस, पता यहाँ की ऑक्सीडेशन नंबर इसकी प्लस सिक्स, क्या Mn की प्लस सिक्स, तो प्लस सेवन से यहाँ क्या जा रहा है, तो एक ही का चेंज है ना, तो बेसिक मीडियम में उतना पावरफुल तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ एन फैक्टर कितना फाइव, यहाँ भाई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इज द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द एन फैक्टर, सेवन से फाइव टू गया तो फाइव, सेवन से फोर गया तो थ्री, और सेवन से
सिक्स गया तो ये किसकी एन फैक्टर लिख रहे हैं रिएक्टेंट्स की ही एन फैक्टर यहां पे लिखते हैं ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने एन फैक्टर केम्नोफोर का तीनों मीडियम में कोई भी मीडियम पूछेंगे आप आराम से एन फैक्टर लिख सकते हो केम्नोफोर का और ये रिएक्शंस रट लेना रटो ये बहुत ही यूजफुल चीज है काम आएगी आगे इसी तरह एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हमारे पास K2Cr2Cl ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है क्या बोला सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है बेसिक न्यूट्रल में नहीं तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितनी थी प्लस 6 थी कि नहीं तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा क्योंकि 6 से 3 पे गया है ये किसकी एन फैक्टर है K2Cr2 एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन होती है बेसिक और न्यूट्रल में हम नहीं देखना है ये भी याद होना चाहिए ये 12th में भी यूजफुल रहेगा डी ब्रेन एफलॉक एलिमेंट में काफी यूज है सारी रिएक्शन इससे 80% रिएक्शन वाली बनेगी ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकालना है कोई दिक्कत है भाई नहीं ना इसी तरह एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो पता है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या -1 तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा रिड्यूस ना तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूस मतलब वाटर में जाएगा ये वाटर में क्या बन जाएगा -2 तो -1 से किस में चला गया -2 में तो बताओ H2O2 का एन फैक्टर फिर कितना आया 1 आया कि 2 आया चेंज कितने का है बताओ यहां ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का चेंज कितने का एक का यहां ऑक्सीजन कितने तो 2 पे कितना चेंज आया एन फैक्टर H2O2 का 2 होता है 1 नहीं होता है नेट चेंज देखते थे याद करो बैलेंस भी करते थे तो है ना बताया था तो इसी तरह से नेट चेंज देखना है H2O2 का अगर पूछे एन फैक्टर बताओ किस मीडियम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एन फैक्टर उसका 2 होता है ठीक है तो ये हो गया हमारा एन फैक्टर के बारे में सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बातें हो गई और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं H2O2 कौन से मीडियम में जाता है कोई मीडियम नहीं H2O2 खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको मीडियम भी कोई जरूरत नहीं H2O2 क्या होता है देखे हो कभी लिक्विड होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड ठीक है तो मैं मिटा दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मिटा दें अब क्या देखेंगे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट एज क्या 6-7 नंबर है ना रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है रिड्यूसिंग एजेंट का तो कौन से हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है H2O2 इज आवर फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था ना ये ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट Na2H2O3 क्या Na2H2O3 इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे H2O2 में O2 की O की क्या होती है -1 यहां पे S की क्या होती है 2 +2 होती है ना ऑक्सीजन ये सल्फर के यहां पे अरे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है Na2H2 में +2 और यहां क्या होती है ऑक्सीजन की -1 तो अब बताओ ऑक्सीजन को क्या करना पड़े अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होना है H2O2 को तो यहां -1 है तो आगे हायर होनी चाहिए है ना तो H2O2 जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं H2O2 क्या बनाएगा O2 बनाएगा तो H2O2 के एन फैक्टर निकालने क्या हो जाएगी 2 बताओ क्यों देखो इधर यहां पे हो क्या था -1 यहां हो क्या है तो बताओ कितने का चेंज आया 1 भाई ये अपने आप को क्या किया ऑक्सीडाइज किया कि नहीं तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीडाइज कर रहा है
रिड्यूसिंग एक्शन जब भी H2O को शो करेगा हमेशा ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा पानी बना देगा, याद रहेगा है ना। तो H2O2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट विल ऑलवेज रिलीज O2। अब सुनो, अगर ये रिड्यूस कर रहा है O2 में, तो इसका एन फैक्टर -1 से 0 गया एक ओके ऑक्सीजन के लिए, तो चेंज कितने का था 1, दो ऑक्सीजन के लिए 2, तो यहां भी लकीली एन फैक्टर 2 था, यहां भी 2 आ गया, समझ में आया। अरे 1:2 किया था यहां पे, यहां पे 1:2 इजी, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, Na2H2। अब Na2H2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर इसके क्या होगी, सल्फर की +2, और ये ऑक्सीडाइज होता है तो Na2S4O6 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सब दोनों के मैंने करवाए थे, यहां पे सल्फर आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 2.5, ये बताई गई थी तुमको। अरे एवरेज +5 0+0/4 याद है, तो वो मैंने स्पेशल केस करा था उसमें। तो बताओ यहां से यहां पे ये क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं, थायोसल्फेट टू टेट्राथायोनेट बताया था ना, सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम टेट्राथायोनेट, तो बताओ +2 से +2.5, तो चेंज कितने का 0.5, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना 0.5 × 2, अरे यहां पे कितने सल्फर है, क्योंकि एक का चेंज 0.5 का, तो दो सल्फर का होगा 0.5 × 2, और यहां इसका एन फैक्टर बोले निकालने को कैसे निकालोगे, कितने का चेंज है 0.5 और एक कितने सल्फर है यहां पे, तो कितना हो गया 2, समझ में आया। एन फैक्टर अलग अलग निकल सकते हैं दोनों, तो ये रिड्यूसिंग एक्शन भी हमने देख लिया इनका। तो अगर मैं बोलूं बताओ इसका क्वेश्चन है, फाइंड एन फैक्टर Fe(C2O4) होल थ्राइस गिव्स Fe3++CO2, बताओ एन फैक्टर बताओ इसका, इस स्पीशीज का आपको एन फैक्टर निकालना, कैसे निकालेंगे बताओ, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है पहले ये बताओ मुझे, करो ऑक्सीलेट में, ऑक्सीलेट आयन क्या होता है Fe2O4 है, सॉरी Fe2 है ना, ये Fe2 बता दे रहा, बताओ Fe चेंज हुआ क्या, Fe क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी +3, क्योंकि यहां पे 3 है, तो यहां भी +3 है, तो उसको तो टच नहीं करेंगे, ऑक्सीजन भी दोनों के सेम है, कार्बन ही चेंज हो रहा होगा, यहां कार्बन की क्या है +4 है ना, निकाल लोगे X-4=0, यहां कार्बन की कितनी है, तो ऑक्सीलेट में C2O4 2 माइनस लिखते हो, तो 2X-8=-2, तो 2X=-2+8 कितना आ गया +6, X कितना आया +3, यानी कि यहां कार्बन की कितनी है, एक कार्बन पे +3 है, तो बताओ नेट कितने का चेंज आया पहले एक कार्बन का 1, तो दो कार्बन पर कितना चेंज आना चाहिए, नहीं बट क्या ये सही है, सोचो क्यों करते थे, हाँ होल थ्राइस है ना, दो कार्बन नहीं है वो, छह, तो एक पे चेंज कितने का था 1, छह पे कितना होगा, ये एन फैक्टर ठीक, फील आ गई नहीं है, फील कर रहा हो नहीं कर रहा हो, ये मजा ले रहा हो, बेटा पढ़ाई करते रहो, नहीं तो क्या है, मुझे बोला गया मान लो इसका एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर निकालना है जो भी चेंज हो रहे हैं उनके एन फैक्टर, रिएक्टेंट साइड बताओ इसका एन फैक्टर कितना आया होगा, इसका +2 है सल्फर का यहाँ पे अभी अभी बताया, और वहां पे +2.5, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया सल्फर का 0.5, और ये कितने सल्फर है 2, तो एन फैक्टर 0.5 × 2 दैट इज 1, कोई दिक्कत, यहाँ आयोडीन चेंज और एडीन यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे आयोडीन कितना है -1,
तो कितने का चेंज है, वन का, और कितने आइडिन है, दो। यहाँ पे एन फैक्टर आइडिन का कितना, एक का चेंज है और दो आइडिन है, तो एन फैक्टर क्लियर हुआ, एन फैक्टर आप निकालना सीख गए होगे। इसी तरह यहाँ भी एन फैक्टर पूछे निकाल लोगे, कितने का चेंज हुआ था, 0.5 का यहाँ से यहाँ, तो इनटू 4 कर लेना, और उसका भी निकाल लोगे, क्लियर। अच्छा यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बताओ, ये कैसा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग, Na2H2O3 कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग है तो क्या है, I2 रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है, जीरो से माइनस वन तो जा रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो इसको रिड्यूस कर दे रहा है, जीरो से माइनस वन, ठीक है। तो ये और देखो तुम्हारा ये भी बना, और ये बनना भी चाहिए था, क्योंकि जब ये रिड्यूसिंग एक्शन शो करता तो ये हर बार बनता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट, अब दो बातें इसमें है वो देख लेते हैं। क्या रहे है? क्या हो गया बोलो, अब इसमें दो केसेस है, देखो इसमें दो केसेस में हमें पढ़ना है क्या, एन फैक्टर। अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे वो कौन से केसेस थे, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हो रही थी, किसी एक स्पीशीज की, किसकी एक स्पीशीज की हो रही थी ना, एक मॉलिक्यूल में, भाई Na और O की तो नहीं हो रही थी, यहां सिर्फ सल्फर की हो रही थी, यहां पे भी Na I में सिर्फ I की हो रही थी, दोनों की तो नहीं हो रही थी एक साइड में, भाई Na और I दोनों की नहीं हो रही थी। अभी तक हम सिंगल सिंगल ऑक्सीडेशन चेंजेस देख रहे थे। अब केस वन, या केस वन से पहले नाउ, अब हम देखेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू स्पीशीज है ना आर चेंजिंग है ना, समझ रहे हो नहीं बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू स्पीशीज आर चेंजिंग, मतलब मोर देन वन स्पीशीज, टू की जगह मोर देन वन स्पीशीज इज चेंजिंग। तो इसमें दो बातें, इसमें केस दो केसेस पढ़ रहे हैं। पहला केस, जब ऑक्सीडेशन नंबर, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ दी स्पीशीज is increase, is either increasing or decreasing, मतलब क्या हुआ, अगर दो स्पीशीज है, एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़े है ना, और अगर एक का घट रहा है तो दूसरे का भी घटे। ये नहीं होना चाहिए कि एक का बढ़ रहा है क्या घट रहा है ना, केस वन समझ रहे हो क्या है, केस वन में या तो दोनों का बढ़े, एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े दूसरी साइड पे, और अगर एक का घट रहा है तो दूसरे का, तब ये केस वन है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये आ गया Cu2S से Cu2+ plus SO2, बताओ ये ऐसा केस है क्या, तो तब क्या करेंगे, सॉरी हमने ये नहीं बताया, तब n फैक्टर का ये फॉर्मूला आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 plus n2, दोनों स्पीशीज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे सम, मतलब n फैक्टर्स का, ठीक है ना, तो नेट n फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, n फैक्टर मैग्नीट्यूड, इसका अगर मुझे n फैक्टर निकालना है इसका नेट, तो वो क्या होगा, n1 plus n2 का मॉड होगा, कैसे आएगा, देखो यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, और यहाँ पे क्या हो रही है 0 sorry 2, तो n1 कॉपर की अगर हम बात करें, n1 तो कॉपर का कितना आया चेंज, 1 से 2 1, और कितने कॉपर है 2 आ गया, और n2 क्या है, n2 कौन है, सल्फर का यहाँ पे क्या था -2, और यहां सल्फर कितना है +4, सो -2 से +4 कितने का चेंज 6, तो बता n फैक्टर कितना आ गया यहां पे, 2+6 कितना आ गया 8, n फैक्टर कॉपर सल्फाइड का n फैक्टर 8 हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे केसेस को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। बस अब खत्म ही हो रहा है, थोड़ी देर में 5-10 मिनट और।
एक और करते हैं, जैसे FeH2 है, इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट। क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट। याद रखना पाइराइट में जो सल्फर है ना वो -2 नहीं होता, -1 होता है। क्या बोला? अबे H2 2- है, एक सल्फर पे क्या होता है बताओ? -1। याद रखना ठीक है ना, पाइराइट में 2-1 समझ लेना, पाइराइट्स में याद रखना सल्फर इज -1। सो FeH2 से अगर हम यहाँ पे गए Fe2O3 और SO2 मान लो यार, बताओ इसमें n फैक्टर मुझे किसका निकालना है? अरे इसका निकालना है ना, जो चेंज हो रहा है उसका निकालना है, जब दोनों में इसका n फैक्टर का फॉर्मूला बताया ना n1+n2, बताओ यहाँ n1 कितना है? n1 आयरन बताओ यहाँ पे क्या था? +2 था है ना, क्योंकि H2 2- था ना नेट, तो Fe क्या रहा होगा? 2+, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना होगा, कट किया होगा ना, तो Fe यहाँ पे +2 है और यहाँ Fe क्या है? +3। तो यहाँ पे Fe कितने का चेंज आया? 1, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ S कितना है? -1, और यहाँ S कितना है? +4। तो बताओ S का कितने का चेंज आया? -1 से 4 5, और कितने S है? तो 10 हो गया ना, सही ना? क्लियर? तो n फैक्टर कितना आ गया FeH2 का? 11। सही है ना? ठीक है, केस 1 समझ में आ गया। केस 2, इफ या व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन स्पीशीज इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ अदर डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली, एक बढ़े और दूसरा घटे, मतलब एक अगर ऐसा बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होना चाहिए, तो अगर ऐसा केस है तो ये दिस मेनली अकर्स इन, एग्जांपल क्या है ये, कहां पे ज्यादातर देखा गया? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। कौन से में? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इस बारे में ज्यादा बात होती है। जैसे तुम्हारे पास ये आ गया P4 गिव्स PH3 प्लस NaH2 PO2। अच्छा फॉर्मूला तो लिख लो, n फैक्टर निकालोगे कैसे ऐसे केसेस में? n1 n2 n2 upon n1 plus n2। क्या बोला? ये इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है? किसका? इसका जैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है, किस साइड की बात हो रही है? हाँ बताओ n फैक्टर इसका कैसे निकालेंगे? तो n1 into n2 upon n1 plus n2 आना चाहिए। देखते हैं n1 कितना है, यहाँ पे देखते हैं n1, देखो पहले P4 का यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? -3। तो 0 से -3 कितने का चेंज? 3, और कितने फास्फोरस है? तो 3 4 ठीक है। 0 से यहाँ फास्फोरस कितना आता था? +1 आता था है ना, यहाँ फास्फोरस कितना आता है? +1 है ना, तो बताओ 0 से +1 कितने का चेंज? 1, और कितने फास्फोरस है? 4, तो 4 हो गया, 4 × 1 क्या होता है? 4। तो बताओ इसका क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करो, फास्फोरस का n फैक्टर आ जाएगा 12 × 4 upon 12 + 4 48/16 n फैक्टर 3 आ जाएगा। तो फास्फोरस का एन फैक्टर 3 है, पूछ सकता है, ठीक है ना? बस तो ये चीज एक और करो, जैसे मान लो ये आ जाए H3PO2, एक ये करो PH3 प्लस H3PO3, इसका एन फैक्टर निकालना है अपने को, बात ना करो। तो तुम्हें पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, तो हमेशा पहले चेक करना जो रिएक्शन दिया वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, है ना? जैसे इसका इंफेक्टर निकालें, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1, और यहाँ पे क्या है? -3, और यहाँ फास्फोरस कितना है? +3। वो निकाल लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं निकालने में टाइम नहीं बचेगा। यहाँ +3 है, यहाँ -3, और यहाँ +1। पता है यहाँ चेंज कितने का हुआ? +1 से -3 कितने का चेंज? 4। तो n1 हो गया 4, और n2 1 से +3 कितने का चेंज? 2, क्योंकि एक ही फास्फोरस है तो 2 ही लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना? 4 × 2 upon 8/6 बनता 4/16
थ्री बाय, तो आ गया फोर बाई, इसका एंड फैक्टर हो गया फोर बाय थ्री। अच्छा अगर बोलते हैं इसका बताओ एंड फैक्टर, किसका किसका एंड फैक्टर बताओ, कैसे निकालोगे इसका एंड फैक्टर? इसका थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, इसका कैसे निकालोगे? इस यहां से यहां नेट चेंज कितने का है, बस चेंज देखो कितने का है, फोर, और कितने फर्स्ट फ्लोर है यहां पे, तो फोर इंटू वन फोर, जैसे पहले निकाल रहे थे नॉर्मल वाला अपना, वो नॉर्मल चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम, चेंज इनटू नंबर ऑफ, बस यही करना है बाकी सब में। यहां पे इनफैक्ट निकालने कैसे निकालने बताओ, चेंज कितने का हुआ 1 से 3, हां 2, और कितने एटम है 1 फास्फोरस के, देखना है सारे मत देखना, इस पे चेंज हो रहा है तो 2 आ गया इनफैक्ट, समझ में आ रही बात? हां इसका इनफैक्ट भी निकाल लोगे ऐसे, हां हो गया समझ में आया, ठीक है तो तुम्हारा खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और मैं दे दे रहा हूँ, वो कर लेना होमवर्क, पढ़ लोगे? हाँ चलो अभी करो, अभी करो, होमवर्क क्या होता है, सब चीज होमवर्क ही कर लो, होमवर्क कभी खत्म ही नहीं हुआ तुम लोग आज तक। हाँ होमवर्क होमवर्क बता इसका जरा कैसे करेंगे, बताए डिस्प्रोपोर्शनेशन है, अरे बी आर का है ना, यहाँ बी आर टू क्या जीरो, यहाँ क्या माइनस वन दे रखा है, यहाँ पे भी माइनस वन पगला गया, बी आर का प्लस फाइव ना, एक्स माइनस इक्वल टू माइनस वन, एक्स क्या आ गया प्लस फाइव, बताओ यहाँ एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, एन वन इंटू एन टू, बताओ इसका चेंज यहाँ से कितना है 1, और कितने हैं 1 इंटू 2 क्या हुआ 2, अभी ये एन वन निकालना है ना, और एन टू क्या होगा यहाँ से यहाँ का चेंज 0 से 5, और यहाँ कितने हैं 2, तो 5 टू द 10, तो एन फैक्टर क्या होगा इसका 2 इंटू 10 अपॉन 20 बाय कितना है 5, 4 जा 4, 5 जा है ना आ गया ना, बस यही है लाइफ, अबे इजी है ना, सही है गलत किया है, हैं? मैं गलत किया है, अबे क्या कर रहा है? सही तो है, हाँ सही, बस हैश करो, ये एन फैक्टर किसका है बताओ, रिएक्टेंट अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, समझ रहे हो मेरी बात, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अभी बताओ अगर नेट बोलते हैं, अगर सुनो केस वन क्या था, जब दोनों पढ़ रहे थे या दोनों घट रहे थे तो हमने क्या लिया था n1 + n2 का मॉड, अभी हमने सेकंड केस में तुम्हें बताया एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो अब n फैक्टर रिएक्शन का कैसे निकालोगे, n1 - n2 ये नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा बात जान लो, ये क्या है, ये रिएक्शन का n फैक्टर हो गया, और उस रिएक्टेंट का n फैक्टर क्या होगा वो तो हमने बता दिया है ना, वो तो हमने निकालना सिखा दिया, जैसे यहां बताओ रिएक्शन का n फैक्टर क्या है, यहां तो मैग्नीट्यूड ऑफ n2 - n1 और n2 का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब 2 और 10 का मॉड क्या है 2 - 10 का 8, n फैक्टर 8 हो जाएगा, यहां पे भी n फैक्टर कितना हो जाएगा 4 - 2 का मॉड क्या हो गया 2, यहां पे n फैक्टर क्या है, रिएक्शन की बात हो रही है, हैं अरे 12 और 4 आए थे ना यहां पे 8, समझ में आ रही है, ये मतलब इसका नोट करो, बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMrO4 इन एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं,
व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KNO4 इन एसिडिक मीडियम, बताओ कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट KNO4 का? मतलब E नॉट पता है तुम्हें इक्विवेलेंट वेट होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर पढ़ाया था ना पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर। तो मोलर मास चलो हमें पता, अभी मान लो एम नॉट मान लेते हैं, एन फैक्टर क्या हो जाएगा KNO4 का? एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता था बताओ? KNO4 Mn2+ में जाता है ना एसिडिक मीडियम में, तो यहां +7 से किस में जा रहा है? एन फैक्टर क्या है? +5 क्या होता है? 5 ही होगा ना, एन फैक्टर। तो यहां इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे? मोलर मास जो भी होगा अपॉन 5 कर देना, तो ये आंसर आ गया इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास गिवन होगा निकाल लोगे ना फिर? इजी लगा ये टॉपिक? हां प्रैक्टिस कर लेना बस। तो आज का जो एन फैक्टर का पार्ट है वो हमने खत्म कर दिया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन वैसे देखो तो खत्म है, इसमें एप्लीकेशन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, कुछ क्या होते हैं वो बुक से कर लेना जी, कर लोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो लास्ट पार्ट है, यूजेस है वो, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ क्या रिडॉक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, फोटो से तेरी देख लेना वो सब रटना है वो है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, थ्योरी पार्ट है क्या? हाँ थ्योरी पार्ट है, तो वो है नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, तो वो मैं तब पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, फिर वो पढ़ाना पड़ेगा पूरा, देख लेंगे कभी बाद में, है ना? ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन वैसे देखो कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुका, सब कुछ बता दिया गया उसका जो हमारे यूज में। अब आपके एनसीईआरटी एग्जांपल लगा लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन या तो लगाओ PYQs 20 इयर्स पास्ट वो लगा लो, रिडॉक्स रिएक्शन पे मास्टरी हो गई, और जो बचा वो जाओ देख, ठीक है?